साउथ कोरिया में क्या हो रहा है आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैंग डोंग मून ने राष्ट्रपति यून सुक योल को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को जल्द ही निलंबित करने का सुझाव दे दिया है। जी हां, हैंग ने चेतावनी दी है कि अगर यून पद पर बने रहे तो देश और नागरिकों को बड़ा खतरा हो सकता है। मार्शल लॉ के बारे में आपको बताते हैं। साउथ कोरिया में दो दिन पहले मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मंगलवार रात एक अनियोजित टीवी संबोधन में यून ने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। उन्होंने मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और एंटी स्टेट एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप लगाया। यून ने कहा कि देश को उत्तर कोरियाई कम्युनिस्टों से बचने और एंटी स्टेट एलिमेंट्स को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया है। यून के रक्षा मंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि रात के करीब 12 बजे सैनिकों को नेशनल असेंबली भवन को घेरने का आदेश दिया गया था, लेकिन दक्षिण कोरियाई सांसद सुरक्षा बलों को पार करते हुए संसद भवन में प्रवेश करने में कामयाब रहे। कुल 300 सांसदों में से 190 उपस्थित थे जिन्होंने सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को हटाने के लिए मतदान किया। इसके बाद यून को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब हैंग डोंग यून ने शुक्रवार को खुलासा किया कि यून ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज के आरोप में प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। ये योजना ग्वाशियोन में राजनेताओं को हिरासत में रखने की थी। हैंग ने पहले महाभियोग प्रस्ताव को रोकने की बात कही, लेकिन अब उनका कहना है कि यून की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद चोय क्यूंग ताई यून के महाभियोग का समर्थन करने वाले पहले नेता बने। महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए 200 वोट्स की जरूरत होती है। विपक्ष के पास 192 सीटें हैं और उन्हें 8 सत्तारूढ़ पार्टी सांसदों का समर्थन चाहिए। सांसदों को जनता से हजारों संदेश मिल रहे हैं जिसमें यून के महाभियोग का समर्थन करने की मांग की जा रही है। अब राजधानी सियोल में यून के इस्तीफे की मांग को लेकर दो दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% से अधिक दक्षिण कोरियाई नागरिक यून के महाभियोग के पक्ष में हैं। पुलिस ने यून के खिलाफ विद्रोह के लिए जांच शुरू कर दी है। यून पहले से ही कम लोकप्रियता, भ्रष्टाचार के आरोप और विपक्षी नेतृत्व वाले संसद की वजह से कमजोर स्थिति में है। ये संकट उनके राष्ट्रपति पद पर तो है ही, लेकिन सियोल में और अधिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।